सब्सक्राइब कीजिए टेकबाज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन बेल को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखें। तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि अभी मैं रेडमी 4A मॉडल यूज़ कर रहा हूं और मुझको फाइनली मिल चुका है MI 9 का अपडेट और एकदम नया वर्जन है 9.2.6.0 और एंड्रॉयड वर्जन है 7.1.2। तो दोस्तों इस अपडेट के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था और फाइनल मुझको मिल चुका है। कहता है ना देर आए दुरुस्त आए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस नए अपडेट का सारे फीचर्स और क्या क्या चेंजेस आए हैं वही सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको सारे फीचर्स A to Z बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं टेकबाज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नए अपडेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके बताने के लिए मैं चार पार्ट में डिवाइड करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कि सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं और सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि ऐप्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको बताएंगे कि होम स्क्रीन में क्या क्या चेंजेस आए हैं और लास्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि लॉक स्क्रीन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों सेटिंग्स में चले जाते हैं। तो सेटिंग्स में आप देख पा रहे अबाउट फोन एकदम ऊपर शो हो रहा है जो पहले एकदम नीचे शो होता था और जो सेकेंड है वो है रीडिंग मोड में बताते हैं। तो दोस्तों रीडिंग मोड में एक नया फीचर्स ऐड हुआ है शेड्यूल का। अगर आप ये शेड्यूल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रात में आपका रीडिंग मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वॉलपेपर के बारे में। दोस्तों वॉलपेपर में आपको कुछ नए वॉलपेपर मिल जाते हैं। तो पहले आपको बहुत ही कम वॉलपेपर मिलते थे, अभी आपको और कुछ वॉलपेपर मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं थीम्स के बारे में। तो दोस्तों थीम्स में आपको दो ही डिफॉल्ट थीम्स मिलते हैं और आपको बाकी थीम्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एकदम आप अगर नीचे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है स्क्रीनशॉट साउंड। तो दोस्तों हाँ जब कोई हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पे एक साउंड आता है, इस तरह का साउंड आता है। अगर आप चाहते हैं कि इस साउंड को बंद करना तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो दोस्तों बैटरी में जाते हैं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन है यहाँ पे स्लीप मोड। अगर आप इसको स्लीप मोड को अगर ऑन कर देते हैं तो अगर रात के टाइम आप गेम खेलते हुए या डाटा को ऑन करते हुए सो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ कर देगा सारा डाटा सब कुछ। ब्लूटूथ जब ऑन होगा वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये थे सेटिंग्स के कुछ चेंजेस। तो चलिए अब बताते हैं कि ऐप्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई ऐप्स ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जब आप क्लोज करेंगे तो आपके ऐप्स के आइकन थोड़ा सा मूव करेंगे। तो चलिए अब मैसेज भी देख लेते हैं। तो इसको आप क्लोज करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी मूव हो रहा है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा एनिमेशन टाइप है तो ये थोड़ा सा ऑसम है, पर ये सब ऐप्स के लिए नहीं है। आप कुछ कुछ ऐप्स के लिए है, जब आप क्लोज करेंगे तो ये ऐप के आइकन मूव करेंगे। MIUI 9 अपडेट में एक नया फीचर्स ऐड हुआ है जो फीचर्स मुझे खूब कूल लगा, वो है स्प्लिट स्क्रीन, जिसकी मदद से आप एक से दो ऐप का यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए आपको रिसेंट ऐप में जाना है, उसको तो ऊपर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा उस पर टैप करना है और फिर इस ऐप को इसको छोड़ देना है और फिर यहाँ पे उस ऐप को चूज कर लेना। उसके बाद एक साथ आप दो ऐप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद एग्जिट आने के लिए आपको बैक कर देना है। तो उसके बाद बताते हैं कि आपको MI 9 में अपडेट करने के बाद आपको दो ऐप एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं। तो पहला ऐप है MI Video। तो ये एक म्यूजिक प्लेयर है, सॉरी एक वीडियो प्लेयर है, यहाँ पे आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद और एक ऐप है जिसको आप मिल जाते हैं वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इस ऐप के मदद से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ ओल्ड ऐप के बारे में जानते हैं जहाँ पे कुछ नए नए फीचर्स आए हैं और कुछ चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम म्यूजिक के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए म्यूजिक में कुछ इस तरह का नया इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पे अगर आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो बैक करते हैं तो यहाँ पे देखिए CD थोड़ा सा घूम रहा है। तो ये थे म्यूजिक के कुछ नए चेंजेस। उसके बाद बताते हैं मैसेज के बारे में। तो दोस्तों देखिए मैसेज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है और यहाँ पे देखिए कुछ मैसेज के बगल में
बाईं ओर कुछ ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपने इस मैसेज को नहीं देखा। अगर मैसेज को देख लेते हैं उसके बाद बैक करते हैं तो ये ग्रीन डॉट हट जाता है। अगर आप इस मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको स्वाइप करके डिलीट कर सकते हैं, ऐसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये थे मैसेज के कुछ नए चेंजेस। उसके बाद बात करते हैं नोट्स के बारे में। तो दोस्तों नोट्स ओपन करने के बाद वही पुराना वाला इंटरफेस दिखाई देगा, पर यहाँ पे कुछ एक नया फीचर्स है दोस्तों। यहाँ पे आप अगर कोई नोट्स को डिलीट करते हैं तो उसको आप फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस ऊपर वाले फोल्डर पे क्लिक करना है और फिर ट्रैश में जाना है और फिर इस पर जिस मैसेज को डिलीट किया तो उसको क्लिक करना है, उसके बाद रिस्टोर कर देना है और फिर आपके मैसेज नोट्स फिर से वापस आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी ऐप के बारे में। दोस्तों सिक्योरिटी में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है नया। तो यहाँ पे आ जाता है नया एक ऑप्शन बूस्ट स्पीड का, तो इससे आपके स्पीड थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सप्लोर के बारे में। तो एक्सप्लोर में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे जो स्टोरेज दिखाता था मोबाइल और एसडी कार्ड का एक साथ, मगर यहाँ पे अभी अलग अलग करके आपको दिखाते हैं स्टोरेज मोबाइल का और एसडी कार्ड का। और यहाँ पे आपके कुछ ऐप्स के फोल्डर शॉर्टकट यहाँ पे आ जाते हैं, डाउनलोड ब्लूटूथ फेवरेट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं होम स्क्रीन के बारे में। तो दोस्तों होम स्क्रीन में क्या चेंजेस है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अगर होम स्क्रीन अगर लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ नया आ जाता है। तो यहाँ पे पहले आप यहाँ पे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कुछ भी। और फिर उसके नीचे आ जाते हैं कुछ ऐप के शॉर्टकट। अगर आप कुछ जल्दी में कुछ एक्सेस करना चाहते हैं किसी किसी ऐप को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी आप ऐप्स डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है नोट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जल्दी में कोई भी कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ओला। तो दोस्तों आप यहां से कोई ओला बुक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है क्रिकेट। दोस्तों अगर आप क्रिकेट फैन हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस देश ने कितना रन किया तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है कैलेंडर इवेंट्स। तो अगर यहां से आप अपने किसी दोस्त का बर्थडे या शादी या कोई पार्टी आप यहां पे ऐड इवेंट करके रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में। तो दोस्तों लॉक स्क्रीन में कुछ नए चेंजेस आए हैं, तो चलिए देखते हैं कि लॉक स्क्रीन में क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है, एमआई होम, एमआई रिमोट और एकदम नीचे टॉर्च का। अगर टॉर्च पे क्लिक करते हैं तो आपका टॉर्च ऑन हो जाता है। और दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो नीचे एक पॉपअप शो होता है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हो आपको दिखाई देगा कि आपने लास्ट चार्ज कब किया था, उसका टाइम आपको बता देगा। तो यही थे कुछ MI 9 का कुछ नए फीचर्स।